गुड मॉर्निंग स्टूडेंट माई नेम इज विजयन सिंह आई एम एर टी टीचर इन विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर फोर्टीन नाउ टू द टॉपिक इज द स्वदेशी मूवमेंट हम आज स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे टू प्रोटेस्ट अगेन द पार्टीशन ऑफ बंगाल द इंडियंस लॉन्च द स्वदेशी मूवमेंट विच स्टार्टेड इन उन्नीस सौ टू कंटिन्यू अप टू नाइनटीन इलेवन तो 1905 में जैसे कि आपको पता है कि बंगाल विभाजन जब हुआ था उसके बाद से ही जो है भारतीयों के मन में एक देशभक्ति की भावना जाग गई थी ठीक है उसी का परिणाम यह हुआ कि बंगाल विभाजन से वैसे भी भारतीय परेशान थे तो उन्होंने क्या किया कि स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया ठीक है जो कि 1905 से लेकर 1911 तक चला इट वाज आल्सो नोन एज द बाइकॉट मूवमेंट इसे हम बायकॉट मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं द वर्ड स्वदेशी मीन्स मीन्स बिलोंगिंग टू वंस ऑन कंट्री इसका अर्थ यह स्वदेशी का अर्थ यह है कि हमें जो है अपने देश की बनी वस्तुओं को ही अपनाना है यानी स्वदेशी अपना अपने देश की चीज़ों को ही अपनाना है आपको ठीक है अपने देश में बनी चीज़ों को ही आपको अपनाना है द एम्स ऑफ दिस मूवमेंट वाज द पॉपुलराइज इंडियन गुड्स बाई बॉयकॉटिंग द ब्रिटिश गुड्स तो इसका इस ये जो आंदोलन था इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हमें ब्रिटेन uh, की बनी हुई वस्तुओं को का बहिष्कार करना है उनकी जगह पर अपने देश की बनी इंडियन गुड्स यानी भारत में बनी हुई वस्तुओं को ही अपने उपयोग में लाना है ठीक है पीपल्स पीपल्स वर आस्क टू यूज गुड्स दैट वर मेड इन इंडिया तो पीपल्स पूछा करते थे जो भारत के लोग थे वो जब कभी बाजारों में जाते थे या कहीं तो पूछते थे हम हमें अपने देश की चीज़ें चाहिए बनी हुई ठीक है ऑल ब्रिटिश गुड्स बर बर्ट इन ह्यूज बोन फायर्स इन पब्लिक प्लेस और इस इसी आंदोलन का परिणाम हुआ कि लोगों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई उन्होंने बहुत सारे जो विदेशी कपड़े होते थे वो एक जगह इकट्ठा करके उनमें आग लगा दिया करते थे ठीक है और वो भी कहाँ पब्लिक प्लेस पे चौराहों पर या कहीं ऐसे जगह जहाँ सार्वजनिक जगहों पर जहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है तो वहाँ से जो है विदेशी वस्त्रों की वो होली जलाया करते थे मूम सॉरी द मूवमेंट स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया तो ये जो आंदोलन था बहुत जल्दी पूरे भारत में के अनेक अन्य भागों में भी फैल गया ठीक है इंडियंस पीपल्स सपोर्टेड दिस मूवमेंट इन लार्ज नंबर तो uh, भारत के जो लोग थे इस मूवमेंट्स को उन्होंने बड़े पैमाने पर जो है समर्थन दिया द यूथ ऑफ बंगाल टुक टुक एक्टिव पार्ट इन दिस मूवमेंट्स तो जो बंगाल का युवा था वो वो इस आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था ठीक है वुमेंस गेव अप द यूज ऑफ ग्लास अटेंसिल्स एंड स्टॉप्ड वियरिंग फॉरिजन बैंगल्स तो जो महिलाएं थी उन्होंने विदेशी चूड़ियाँ पहनना बंद कर दी बंद कर दी थी स्टील के के जो गिलास हुआ करते थे उनका भी उन्होंने इस्तेमाल बंद कर दिया था दोज हु डिड नॉट टेक पार्ट इन दिस मूवमेंट वर सोशली बायकॉट और जो इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करता था भाग नहीं लेता था उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाता था दिस मूवमेंट्स लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंडियन गुड्स एंड इम्प्रूव द इकोनॉमी कंडीशन ऑफ द पीपल्स ठीक है तो इस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो अच्छी हो गई और भारतीय जो वस्तुएं थी उनकी मांग मार्केट में बहुत बढ़ गई थी ठीक है और मांग बढ़ने से भारत की इकोनॉमी मजबूत हुई द गवर्नमेंट ट्राई टू सरप्राइज दिस मूवमेंट गवर्नमेंट जो सरकार थी अंग्रेजी सरकार थी उसने इस आंदोलन को दबाने का दमन करने का बहुत प्रयास किया इट वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल मूवमेंट ये जो है आ, सबसे ज़्यादा जो है सफल आंदोलन था बिफोर गांधी जी केम ऑन द इंडियन सीन्स ठीक है द इम्पोर्टेंट लीडर बिहाइंड दिस मूवमेंट वर अरविंद घोष लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक विपिन चंद्र पॉल और लाला लाजपत राय तो जो ये जो बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन था इसके प्रमुख लीडर जो थे वो थे अरविंद घोष लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ठीक है बिपिन चंद्र पाल लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक ठीक है ओपनली क्रिट, क्रिटिसाइज द ब्रिटिश इन हिज न्यूज़ पेपर ठीक है तो उन्होंने क्या किया था बाल गंगाधर तिलक जो थे वो ओपनली क्रिटिसाइज हुए थे द ब्रिटिश इन हिज न्यूज़ पेपर तो उनका नाम बड़े अंग्रेजी समाचार पत्रों में बड़े आ, अच्छे ढंग से छापा जाता था आप ये कह सकते हैं कि जो है ठीक है तो आज के वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में आपको राइज ऑफ़ रेवोल्यूशनरी इन बंगाल के बारे में बताएंगे तब तक के लिए थैंक यू